अयोध्या में तेज गति से चल रहा है राम मंदिर का निर्माण। मंदिर में लगाए जा रहे हैं पिंक स्टोन, स्टोन में लगे हैं बारकोड। बिहार के सासाराम में स्थापित हुई शिव जी की 111 फीट ऊंची प्रतिमा 7 नवंबर को होगा लोकार्पण। वाराणसी में देव दीपावली से पहले शुरू हुआ नौका संचालन, गंगा का जल स्तर कम होने के बाद मिली इजाजत। और राजस्थान के अजमेर में औपचारिक रूप से शुरू हुआ पुष्कर मेला, कई राज्यों की संस्कृति की दिखेगी झलक। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रणजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। मंदिर का निर्माण बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन से हो रहा है और मंदिर निर्माण के लिए जितने भी पत्थरों की जरूरत है वो राम जन्मभूमि परिसर में इकट्ठे किए जा रहे हैं। मंदिर निर्माण में किस पत्थर की कहां आवश्यकता है, उन पत्थरों को चिन्हित करने के लिए पत्थरों पर बारकोड लगाया गया है। इस बारकोड को स्कैन कर इंजीनियर जान सकेंगे कि मंदिर में उस पत्थर का इस्तेमाल कहां पर होना है। बिहार स्थित सासाराम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में लगभग 5 साल लगे हैं। पुराने जीटी रोड यानी सासाराम देहरी लिंक रोड से गुजरते समय ये प्रतिमा दूर से ही नजर आती है। भगवान शिव की इस प्रतिमा का लोकार्पण 7 नवंबर को होगा, जिसमें स्वामी रामदेव जी समेत देश के कई प्रसिद्ध संत मौजूद रहेंगे। वाराणसी में देव दीपावली के पर्व से पहले प्रशासन ने नाव संचालन की अनुमति दे दी है। बता दें, बाढ़ का पानी कम होने के बाद नाविकों को मोटर बोट चलाने की छूट दी गई है। इससे न सिर्फ पर्यटक फिर से गंगा में सैर कर पा रहे हैं, बल्कि 3 महीनों से रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे नाविकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इसके अलावा देव दीपावली पर बुकिंग को लेकर नाविकों के पास इंक्वायरी आनी भी शुरू हो गई है। राजस्थान के अजमेर की आन बान शान और संस्कृति से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आगाज हो चुका है। बता दें कि मेले में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति की झलकियां देखने को मिल रही हैं। मेले में अध्यात्म, संस्कृति, खेल और बॉलीवुड से जुड़े रंगारंग आयोजन हो रहे हैं। वहीं रोजाना सुबह से शाम तक देशी विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आयोजनों में भाग लेने और करीब से देखने का मौका मिल रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर चलो अभियान के तहत अलग अलग देशों के लाखों पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है। कार्तिक माह की अगली सोमवारी के बाद 6 नवंबर को भगवान महाकाल की भव्य सवारी निकाली जाएगी। वहीं इस बार कार्तिक अघन में भगवान महाकाल की सवारी निकालने का क्रम कार्तिक शुक्ल पक्ष से शुरू होगा। इस बार भगवान महाकाल की कुल 5 सवारियां निकाली जाएंगी। इस दौरान भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ऐसे में भगवान महाकाल के लिए चांदी की पालकी सजाई जाएगी, जिस पर सवार होकर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान महाकाल रात 11 बजे चांदी की पालकी में सवार होकर गोपाल मंदिर जाएंगे और यहां हरिहर का मिलन होगा। इसके बाद रात 2:30 बजे भगवान महाकाल की पालकी दोबारा महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी। भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कराने के लिए IRCTC फिर से रामायण यात्रा ट्रेन संचालित करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 18 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की जाएगी। इस बार ये यात्रा 18 दिनों की होगी। रामायण एक्सप्रेस की मदद से राम मंदिर निर्माण की बेला में रेलवे राम नगरी के पर्यटन को गति प्रदान करने में लगी है। वहीं दिल्ली से रवाना होने के बाद 19 नवंबर की सुबह ये ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी। सुर्खियों से भरे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।